से ताबड़तोड़ फायरिंग। हाथों में बंदूक लिए दौड़ते भागते लोग, दौड़ते दौड़ते खुलेआम फायरिंग करता शख्स, बंदूक से निशाना लगाता दूसरा शख्स। तस्वीरें देखकर यकीन नहीं आता कि ये चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के दावों वाला उत्तर प्रदेश है। ऐसी खौफनाक तस्वीरें देखकर तो एक बार की बिहार की यादें ताजा हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे बिहार के एक गैंग ने दूसरे गैंग पर धावा बोल दिया हो। दो पक्षों के बीच हुए पथराव और उसके बाद खुलेआम फायरिंग को लेकर बताया ये जा रहा है कि इलाके के शाह आलम और मोहम्मद हसन के बीच मकान निर्माण को लेकर विवाद था। दो दिन पहले ही दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। उस दिन तो झगड़ा शांत हो गया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अंदर खाने उबाल बना हुआ था। मंगलवार को इसी विवाद के चलते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। जिस दौरान खुलेआम फायरिंग हो रही थी, तभी स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पर पहुंचे सीओ पटियाली राजकुमार पांडे और कई थानों की पुलिस के सामने भी कई राउंड फायरिंग हुई। हालांकि बाद में 6-7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हालात को देखते हुए कस्बा भरगैन में PAC तैनात कर दी गई है। थाना पटियाली के कस्बा भरगैन में आज पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में आपस में कहा सुनी होती है तथा ईंट पत्थर चलते हैं, हवाई फायरिंग भी की जाती है मौके पर। इस सूचना पर पटियाली थाना पुलिस तत्काल मौके पहुंचती है। जो संदिग्ध लोग हैं उनको हिरासत में लिया जाता है। तहरीर प्राप्त होते ही शेष वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। दरअसल कस्बा भरगैन में जब दो पक्षों के बीच फायरिंग हो रही थी, तभी तमाशबीनों ने घटना का वीडियो मोबाइल से बना लिया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बहरहाल इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके के लोगों में दहशत है, जबकि पुलिस दूसरे आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।